विधानसभा के कर्मठ आमदार श्री तुकाराम काते जनता की सेवा करते नजर आए। आपको बता दें कि इस समय मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबईकरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के पांजरा पोल सर्कल पर बड़े गटर में कचरा भरा होने के कारण पानी सड़क पर आने लगा। ये देखते हुए आमदार तुकाराम काते ने पहल की और बीएमसी के कर्मचारियों को बुलाकर इस समस्या का समाधान निकाला। बारिश गिरने से पहले ही बीएमसी और एमएमआरडी को बताया था कि इधर बहुत शिवाजी महाराज चौक में पानी बहुत भरता है, लेकिन किसने ख्याल नहीं किया और आज पानी इतना बाहर आ रहा है। पूरा एमएमआरडी ने जो ब्रिज बनाया, फ्रीवे, पूरा पहाड़ का पानी, सब पानी जो है शिवाजी महाराज चौक में आता है और पूरा ट्रैफिक जाम होता है, पूरा रास्ते पर पानी है, पूरा परिसर पूरा जाम हो जाता है। एक्चुअली करके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जमीन के अंदर, वो एमएमआरडी ने घाई घाई से बनाया और ना बीएमसी को मालूम ना किसको मालूम है। जो अभी चैम्बर जो आप देख रहे हैं, वो चैम्बर आज हम लोगों ने खोला है, रात भर काम करके आज वो चैम्बर मालूम पड़े तो डांबर के नीचे ही चैम्बर था। अभी थोड़ा सा तो पानी चालू हो गया है, लेकिन और फ्रीवे के बाजू में ही पूरा जाम उधर बैठा है, उसके लिए भी एक चैम्बर हम लोग खोल रहे हैं और काम चालू होगा। आज बारिश गिरने के बाद जितना पानी ऊपर से आ रहा है वो पानी पूरा शिवाजी महाराज चौक में होने से कारण पूरा 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 रास्ता खराब हो गया। पूरा इतना रास्ता अच्छा बना के लिया था, लेकिन मैं धन्यवाद लेते करता हूँ बीएमसी के अधिकारी को, बहुत सारा रात भर मेहनत करके एक जो बीएमसी का अधिकारी है मुंबई महानगर पालिका का, वो अंदर कम से कम 10 मीटर अंदर जाके उसने ये पाइप का काम किया और थोड़ा सा पानी चालू हो गया। ऐसा बीएमसी के कामगार सब काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ।